CBSE और CICSE की 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और अब ये फैसला 2 दिन के लिए टाल दिया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन का वक्त मांगा है। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस M.A. खानविलकर और जस्टिस दिनेश की बैठक में कहा कि केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त चाहिए इस मामले पर फैसला लेने के लिए। जी हां, इस बीच देश के लाखों स्टूडेंट ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण उन्हें परीक्षा ना देना पड़े और ऐसे ही मार्किंग करके पास कर दिया जाए, जैसे कि 11वीं और 9वीं 8वीं से नीचे के बच्चों को पास आउट किया गया है। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं अगर वो नहीं हुए तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में रह सकता है, इसलिए सिलेबस में कुछ कटौती के साथ पेपर कराना अनिवार्य होना चाहिए। इसको लेकर कई राज्यों ने अलग अलग तर्क भी दिए हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 दिन बाद होने वाले सुनवाई जो 3 जून को होने वाली है उसमें क्या फैसला होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार की बात मानती है या फिर स्टूडेंट के इच्छा के अनुसार उन्हें एग्ज़ाम से छूट देने को कहा जाए और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें पास किया जाएगा, क्योंकि 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट को ऐसे ही पास कर दिया गया है कई राज्यों में। हालांकि कई राज्य ने अभी तक फैसला नहीं लिया है, जबकि 11वीं और 9वीं से नीचे तक के सभी स्टूडेंट को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पासिंग मार्क दिए गए हैं और उन सबको अगले क्लास में प्रमोट करने की अनुमति मिल गई है। आखिरी फैसला शायद 3 जून को हो और उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।